हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत कौर। आज हम देखेंगे एक मैट ऑर्गेनाइज़र मैट का सोइंग। तो देखिए, इसको मैंने लैपटॉप के नीचे रखा है और इसका आप सिलाई मशीन के नीचे भी रख सकते हैं। वैसे मैंने जिस पर्पस के लिए बनाया है वो थोड़ा मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी मैंने इसे क्यों बनाया है। तो ये आप एक जनरल आइडिया आपको आ जाएगी कि आपने किस पर्पस से बनाना है उसको। तो यहाँ पर ये मेरी जो साइज़ है वो 28x24 है, यानी जो उसकी विड्थ है वो मेरी होगी 28 इंच, और जो उसकी लेंथ यानी हाइट वो मैंने रखी है यहाँ पर 24 इंचेस। तो आप उस अनुसार जैसे आपकी ज़रूरत है उस अनुसार आपने फैब्रिक लेना है। और फैब्रिक के नीचे जो मैंने लाइनिंग लगाई है वो मैंने ये अपनी जो चावल की या बोरी वगैरह जो भी आती है आपके पास, अगर वो है तो वो लगा दीजिए, या फिर आपने कोई और भी फैब्रिक आपके पास पड़ी है एक्स्ट्रा तो वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसका लाइनिंग लगाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दोनों ये कट करने हैं लेयर्स। अब इसमें मैं नीचे लाइनिंग के नीचे और कुछ भी नहीं ऐड करने वाली, आप चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लेस वगैरह लगानी होगी, पट्टी आपके पास जो भी रेडी अवेलेबल हो। तो ये जो विथ है मेरी 28 इंचेस हो जाएगी, ओके, और जो हाइट है इसकी वो 24 इंचेस। तो उसके अनुसार आप अपनी कटिंग कर लीजिए लाइनिंग के एज वेल एज फैब्रिक के। अब देखिए, नीचे के जो पार्ट है उसमें हमारे पॉकेट्स लगेंगे, तो वो पॉकेट्स के लिए भी मैंने स्क्रैप फैब्रिक जो आपका बचता है उसी में से मैंने पॉकेट बनाए हैं। अब पॉकेट की साइज़ आपने जिस तरह से रखनी है आप रख सकते हैं, छोटा बड़ा, लाइक 2 या 4 जितने भी आपको चाहिए आप रख सकते हैं। तो ये आप पहले इसको कट कर लेंगे अपनी नेसेसिटी के अनुसार। तो देखिए, मैंने ये 5 फैब्रिक लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये साइज़ के अनुसार आप कट करके रेडी रखेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी फैब्रिक को आपके लाइनिंग के साथ में स्टिच कर देना है, ओके। तो बीच में सिलाई लगा दीजिए और एक स्क्वायर बना देंगे बस, या एक्स बना देंगे तो भी चलेगा, तो वो फिक्स हो जाएगी, ओके, इसके साथ में। एंड ये देखिए, स्किड नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर स्किड हो रहा है तो फिर आपको नीचे कुछ और लाइनिंग लगानी होगी। यहाँ पर मेरा स्किड नहीं हो रहा है, तो ये देखिए, अब इसको आप फिक्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट का पैनल बनाएंगे। तो पॉकेट का पैनल बनाने के लिए सबसे पहले ये इसके एक के ऊपर एक रख के आप इनको पिनअप कर दीजिए, सो दैट फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये अपनी जगह पे प्रेजेंट टीचर करके बैठ जाएंगे, ओके। तो ये रहे इस तरह से। आपने जितने, यहाँ मैंने 5 लगाई है क्योंकि जो सबसे छोटा है उसमें पेंस वगैरह भी आ सकते हैं। एंड मैं पर्पस जिसका ले रही हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। मैंने इसको सोफ़े पे लगाना है, तो रिमोट है या छोटी मोटी कुछ भी आइटम्स होती हैं तो हम ना ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको। तो आप इसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इधर लिया और इसको इस तरह से आपने रख दिया। तो अब इसको भी आप एक पैनल का जो अपना फैब्रिक लाइनिंग है उसके ऊपर स्टिक कर सिलाई कर लेंगे। तो आपने चारों ओर सिलाई कर लेना है एंड देन फिर इसका परफेक्ट साइज़ आप कट कर लीजिए। ये अभी अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो ज़्यादा है तो उसको कम कर देंगे, तो उसके अनुसार आपने रेडी करना है। तो ये देखिए, मेरी पैनल रेडी हो गई है, इसके ऊपर हमने इसको स्टिच कर लिया है पैनल को। अब आप चेक कर लीजिए अपने मैट के साथ में आपकी साइज़ वगैरह, अगर कम छोटा ज़्यादा बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, वॉट एवर जो भी, उसको सेट कर लेंगे। अब ये पॉकेट पैनल पे आपने लगानी है पट्टियाँ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको लीजिए और इसके ऊपर हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो मेरे पास एक, ये तो मैंने प्लेन आपको बता दी है, वैसे मैंने इसके ऊपर थोड़ी प्रिंटेड लगाई है, जो मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा था उसी से मैंने कट कर लिया। तो आप सेटिन पट्टी लगाएंगे तो भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सेटिन पट्टी टाइप ही है मेरे पास। तो इस, तो सेटिंग पट्टी में क्या होता है, हमें एजेस फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस तरह लेंगे और कोई भी एक साइड आपने सिलाई करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम भी, क्योंकि फिर जब हम इसको अपने मैट पे स्टिच करेंगे तब हम दूसरी ओर सिलाई कर लेंगे, तो फिर वो फिनिशिंग थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक एक साइड सिलाई करके आप सारी पट्टियाँ इस पर लगा लेंगे, ये कुछ इस तरह से, ओके। ये देखिए, एक तरफ मैंने भी सिलाई नहीं की है, तो सेम वे में सब कंप्लीट कर लेंगे आप। और फिर इसके बाद सिंपल है, अपने मैट पे लगाएंगे। देखिए, ये मेरी सब पट्टियाँ लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं। वन सेकेंड साइज़ वगैरह देख लेंगे। एंड अब इसके ऊपर मेरी आएगी एक डेकोरेटिव पट्टी, आप लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, लिया और इसको हमने इस तरह से स्टिच कर दिया। ये मेरी पॉकेट की पैनल रेडी हो रही है, ओके।
ये लिया, और ये मैंने ना स्ट्रेट पट्टी ली है, कहीं भी मैंने बायस स्ट्रिप नहीं ली है, मेरे पास स्ट्रेट पट्टी पड़ी थी वही मैंने यूज़ कर ली, जो लेस आती है ना प्लेन वाली वही मैंने यूज़ कर ली यहाँ पर पतली सी। ओके अब ये देखिए, ये अपने मैट के ऊपर अब बैठाएंगे इसको, तो एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट करने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ रखना ही है आपने। अब ये जो हमने जो लेस लगाई थी ना पॉकेट्स के ऊपर, वहाँ पर आपने सिलाई कर देनी है। ये देखिए इस तरह रख कर सिलाई कर देंगे, पिनअप कर दीजिए चाहे तो आप एक एक पॉकेट को, तो आपको आसानी होगी सिलाई करने में इस तरह से। और हमारी मशीन अब सिलाई लगाना शुरू है, यानी आपने ऊपर का जो पाइपिंग वाला पार्ट है वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, डेफिनेटली वहाँ तो नहीं लगाओगे ना आप। और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपने किस पर्पज़ से बनाया ये मैट मुझे ज़रूर बताइएगा, ये आपको कौन सा पर्पज़ अच्छा लगा, मैंने तीन पर्पज़ बताए ना यहाँ पर, तो तीनों में से आपने कौन सा, आपको कौन सा अच्छा लगा कि ये इसके लिए सही है। ठीक है अभी देखिए मेरा पॉकेट इस पर लग चुका है, अब मैं बीच की सिलाई करूँगी, यानी अब हमारे पॉकेट स्टडी हो जाएंगे। तो देखिए मैं जो हमने खुली साइड छोड़ी थी उसी साइड पर आपने सिलाई कर देनी है, तो ये आपका पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह मेरा ये पॉकेट रेडी, रख लीजिए आप इसके अंदर, रिमोट रखेंगे, न्यूज़पेपर रखेंगे, सब रखेंगे, बताऊंगी मैं आपको। और यहाँ पर भी ये खुला है उस पर भी सिलाई लगा देंगे, जो जो पार्ट खुला है उस पर सिलाई लगा के हमारे पॉकेट्स आप देख सकते हैं रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इसकी साइड डेकोरेशंस की, तो देखिए पॉकेट आप एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रेडी। ओके अब मेरे पास पट्टियाँ जो थी वो मैंने सब स्क्रैप ही यूज़ किया है इसके अंदर, तो जो साइड की पट्टी वो भी मैंने, मेरे पास कम थी तो मैंने क्या किया, तीन साइड इसको लगा दी और एक साइड अलग लगा दी, तो जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से काम कीजिए। एंड ये मैंने ऊपर लगानी है। ओके एक्चुअली मैं ऑरेंज ही लगाने वाली थी लेकिन कम थी तो फिर मैंने ये ब्लू लगा दी। अब ब्लू में आप किस तरह लगाओगे, देखो ये पट्टी आपने लेनी है और पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लिया, इसको मैंने फोल्ड किया, ऊपर रख कर ही फोल्ड कर देना है, ऐसे कवर कर देना है, एंड देन फिर साइड से कवर करके सिलाई कर लेंगे आप। ये लिया एंड ये गई साइड में। ओके और आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है आपने क्या करना है। एंड जो न्यू व्यूअर्स आते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है, वीडियोस आप लाइक करते हो पसंद करते हो लेकिन वॉश भी करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ये मेरा फिनिश होने वाला है मैट, और ये जब आपकी तीनों साइड लग जाएगी पट्टी उसके बाद आपने टॉप की पट्टी लगा के इसको कंप्लीट कर देना, और आप चाहे तो इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड कर दिया है इसको, तो ये लगाने में आसानी होगी। और सिलाई जो करनी है आराम आराम से करनी है, आपकी सुइंग मशीन की कैपेसिटी देखते हुए, ज़्यादा मोटा ना करें। अब देखिए जब एंड आएगा तो मैंने एकदम सिंपल हिसाब रखा है, कोई फोल्डिंग वोल्डिंग का चक्कर ज़्यादा नहीं रखा है, इसको मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया एंड देन मैंने इसको फोल्ड कर दिया, फिनिश। और ये देखिए नीचे की हमारी सिलाई लग चुकी है, और वो लगने के बाद आपने टॉप की सिलाई कर देनी है। अब ये कंप्लीट कर दीजिए आप, और जो टॉप पे मैंने ऑरेंज पट्टी लगानी है वो लगा के हम इसको फिनिश कर देंगे। अब बारी आती है इसको देखने की, ये देखिए ये मेरा मेन पर्पज़ है मेरा सोफ़ा सेट, तो इस पे मैं इसको रखने वाली हूँ। अभी मैंने इसको भरा नहीं लेकिन अगर आप चार दिन बाद देखेंगे तो इसमें काफ़ी सामान आपको मिल जाएगा, ये रिमोट तो आ चुका है। ओके तो पर्पज़ मेरा यही है, पर आप चाहे तो आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो अभी आपको लगाना है आप सिलाई कर लें। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सेम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, लव यू ऑल।